हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सर्कल चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या करा, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ द लेंथ ऑफ अ कोर्ड ऑफ ए सर्कल इज 16 सेंटीमीटर एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अच्छा देखिए क्या कह रहा, एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल का कोड दिया है 16 सेंटीमीटर लेंथ का, और ये कोड सर्कल के सेंटर से ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, सर्कल का सेंटर हो गया ये ए बी कोड ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, इस पे ये परपेंडिकुलर दे देते हैं। ये 15 सेंटीमीटर है यहाँ से, और सर्कल का ये जो कोड है 16 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये 8 हो जाएगा और इधर भी 8 हो जाएगा। हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस यानी कि ओ ए निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं। चलिए यहाँ से ओ ए स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर और प्लस में ओ सी स्क्वायर, यानी ओ ए स्क्वायर इक्वल टू में 8 का स्क्वायर और प्लस में 15 का स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू में 64, ये 225, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका 289, यानी कि ओ ए स्क्वायर है तो ओ ए इक्वल टू में √289 सेंटीमीटर, यानी कि ये 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, The radius of a circle is 6 centimeter. The perpendicular distance from the center of the circle to the chord was 8 centimeter in length. Is अच्छा क्या कह रहा है, The perpendicular distance from the circle to the chord is 8 centimeter in length. Is क्या पूछ रहा है इसमें, perpendicular distance पूछ रहा है। चलिए तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और लेंथ दिया है कोड का 8 सेंटीमीटर। चलिए सर्कल का सेंटर ओ ले लेते हैं, ये कोड ए बी ले लेते हैं, लेंथ है 8 सेंटीमीटर। सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर जो डाला जा रही है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ले लेते हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सर ये रेडियस मिला देते हैं, ये रेडियस है ना जी, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। कोड ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी ए सी 4 हो जाएगा और बी सी भी 4 हो जाएगा। ओसी निकालना है, तो यहाँ पे देखो तो ओसी स्क्वायर प्लस में एसी स्क्वायर जो होगा इक्वल हो जाएगा ओए स्क्वायर के। ओसी स्क्वायर और प्लस में एसी यानी कि ये 4 का स्क्वायर इक्वल टू में इधर 6 का स्क्वायर। ओसी स्क्वायर ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 36, ये जगह सब्ट्रैक्ट होगा। ओसी स्क्वायर इक्वल टू में 20, यानी ओसी इक्वल टू में आ जाएगा √20, तो ये 2√5 हो जाएगा, 2√5 सेंटीमीटर। बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, क्या कह रहा है कि इफ ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ए बी इज अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम ओ, यानी कि सेंटर से, तो एंगल बी ए ओ कितना होगा। चलिए देखते हैं, सर्कल ले लिए, सर्कल का सेंटर ओ है, r इसका रेडियस है, एंड ए बी इज द कोड ऑफ ए सर्कल at a distance r/2 from O। अच्छा यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये रेडियस r है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस दिया गया है कोड का वो r/2 है। ए बी सी ये r है और ये r/2 है, तो पूछ रहा है एंगल बी ए ओ कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है ना जी, चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर अगर हम लोग ये राइट एंगल ट्रेंगल है ना, तो अगर इसे हम लोग एंगल को थीटा ले लें तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा साइन थीटा लगा सकते हैं। अब ये क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। अब ये सब चीज़ें बाद में बात करेंगे, हम लोग क्लास 10th में चलेंगे तब। तो परपेंडिकुलर ओ सी हो जाएगा और ये ओ ए हो जाएगा, तो ये आपका साइन थीटा इक्वल टू में यहाँ पर ये r/2 और बाई में r से r कैंसिल 1/2। 1/2 होने का मतलब साइन थीटा में 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू के इक्वल होता है, देन थीटा इक्वल टू में 30। इसका मतलब एंगल बी ए ओ जो आएगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, ए बी सी देयर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सच दैट एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल डी सी ए इक्वल टू 80 डिग्री, देन एंगल डी ए बी कितना होगा। देखिए ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो पहले मैं एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना ही लेता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, इसमें नाम इसके देता हूँ ए बी सी डी। एंगल ए डी बी 30 डिग्री, ए डी बी ये वाला जो है 30 डिग्री है, ए डी बी ये 30 डिग्री है। एंगल डी सी ए एंगल DDCA, अच्छा ये वाला DCA जो है एंगल DCA ये आपका है 80 डिग्री। एंगल DAB क्या होगा, एंगल DAB क्या होगा, देखिए ये 30 है तो यही सेम सेगमेंट से बना हुआ एंगल है, ये भी 30 हो जाएगा, समझे ना जी। एंगल ADB इक्वल टू में एंगल ACB सेम सेगमेंट से बना 30 है, यानी कि एंगल BCD की बात करें तो ये 80 और 30 दोनों मिला के हो जाएगा 110। ठीक है, हमें एंगल DAB निकला तो DAB और एंगल BCD इन दोनों का सम 180 होगा, अपोजिट एंगल है ना जी साइक्लिक क्वाड्रेचर के, तो एंगल DAB निकालना है और ये आपका 110 है इक्वल टू में 180 जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल DAB कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन में A नंबर ना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। ए कोड ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ ऑफ द अनदर कोड इज ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज, अच्छा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। एक कोड है लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखिए एक कोड ले लेते हैं यहाँ पर जिसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर और जो सर्कल के सेंटर से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, सर्कल का सेंटर AB कोड है, ये सर्कल के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है 6 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 इधर भी और 7 इधर भी। The length of the another chord is 2 सेंटीमीटर from the center of the circle. Another chord है जो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है सर्कल के सेंटर से। चलिए ये इसका नाम ले लेते हैं CD, ये सर्कल के सेंटर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं इसका, यहाँ पे C लिया ना तो यहाँ एक काम करते इधर M ले लेते हैं, इधर M ले लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो क्या पूछ रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसके लेंथ से उसका लेंथ जो होगा ना वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना जी, तो अब कौन सा होगा, चलिए इसको निकाल के पता करेंगे। तो OA और OC को ज्वाइन हम लोग कर देते हैं। चलिए अब आते हैं इन ट्रायंगल AOM में, इस वाले में यहाँ OA निकालना है, रेडियस निकालना है, तो OA स्क्वायर जो होगा OM स्क्वायर प्लस में AM स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल टू में 6 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, OA स्क्वायर इक्वल टू में 36 और 49, OA स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर 5 और यहाँ पे 85 हो जाएगा OA स्क्वायर। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए इन ट्रायंगल OCN में, यहाँ पर OC स्क्वायर जो होगा वह ON स्क्वायर और प्लस में CN स्क्वायर के इक्वल होगा। OC स्क्वायर ये OA स्क्वायर दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है ना जी, ये आपका 2 का स्क्वायर और प्लस में CN का स्क्वायर, तो यहाँ CN स्क्वायर इक्वल टू में ये 85 में से ये जगह सब्ट्रैक्ट होगा 4 तो आ जाएगा 81, तो CN इक्वल टू में √√81 यानी कि 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो गया। CN जब ये 9 सेंटीमीटर हो गया तो हमें पूरा CD ये 2 टाइम्स हो जाएगा CN का, यानी कि 2 × 9 यानी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 18 है, बिल्कुल है D नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। 1 कोड ऑफ ए सर्कल इज नॉन टू बी 10 सेंटीमीटर, अच्छा द रेडियस दैट मस्ट कैन बी, अच्छा इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, क्या कह रहा है कि 1 कोड ऑफ ए सर्कल इज नॉन टू बी 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका कोड जो है ना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका कोड इसमें से कौन सा हो सकता है ये पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। चलिए तो एक काम करते हैं इसमें, समझिए यहाँ पर सर्कल का सेंटर इधर होगा, सर्कल का सेंटर इधर होगा है ना जी। अगर ये कोड यहाँ 10 सेंटीमीटर है, मान लो वो कोड डायमीटर के जस्ट नियरेस्ट हो सकता हो, ये कोड हो सकता है, या मान लो वो कोड डायमीटर ही है, तो डायमीटर ही है। ठीक है, हो सकता है कि वो कोड जो हो डायमीटर हो जाए। ठीक है ना जी, तो अगर ये डायमीटर हो जाता कोड तो उसका लेंथ तो रेडियस का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नहीं तो उसका रेडियस जो होगा 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगा, इतना तो पता है ना। यानी कि रेडियस कम से कम 5 होगा और 5 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है ना जी, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, ए बी सी इज अ ट्रायंगल विथ बी एज राइट एंगल, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल इज ड्रॉन विथ ए एज सेंटर एंड ए सी एज रेडियस, द लेंथ ऑफ द कोर दिस सर्कल पासिंग थ्रू सी एंड बी आर, सी एंड बी इज, देखिए क्या कर रहा है, एक सर्कल है, एक क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल है बी पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, ठीक है ना जी, राइट एंगल है बी पे, ये ए ले लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं। ए सी दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, ए सर्कल ड्रॉन विथ ए एज द सेंटर एंड ए सी एज द रेडियस। अच्छा, ए को सेंटर लेके और ए सी को रेडियस लेके ड्रॉ किया जाता है एक सर्कल, तो इतने बड़ा सा सर्कल ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना जी। ए सी को रेडियस लेके जब ड्रॉ किया जाता है, द लेंथ ऑफ द कोड दैट सर्कल पासिंग थ्रू बी सी एंड बी इज, अच्छा देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ लेंथ ऑफ कोड की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको आगे ड्रॉ करना होगा, इधर सी बी को इधर की तरफ, तब ना ये कोड बन पाएगा, तो इसका लेंथ पूछ रहा है। तो देखो BC का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ ये भी होगा, क्योंकि ये आपको पता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सर्कल के अंदर कोड पे, सर्कल के सेंटर से, तो उसको इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, ये जितना होगा उतना ही यही होगा, तो लेंथ ऑफ कोड यानी कि BC का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ 90 है, तो यहाँ पर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल होगा, 4 का स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू में, यहाँ पर ये जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 9 आ जाएगा, यानी कि BC इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ कोड बात करना है, लेंथ ऑफ कोड की, इस पूरे लंबे वाले कोड की, तो ये 2 टाइम्स होगा BC कहना जी, यानी कि 2 × में 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में, क्या कर रहा है कि इफ ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए डी इज अ डायमीटर, देन एंगल ए ओ बी क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल का ए बी बी सी एंड सी डी इक्वल कोड्स है, ए बी ठीक है, बी सी एंड सी डी इक्वल कोड्स है, ए बी बी सी और सी डी इक्वल कोड्स है, और सर्कल का सेंटर ओ लेते हैं, ए डी डायमीटर है, ए डी डायमीटर है, ए डी डायमीटर है, ठीक है। देन एंगल ए ओ बी क्या होगा, ए ओ बी ये वाला एंगल क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना जी। चलिए ये वाला एंगल कितना होगा ये हमें बताना है, समझिए ये और ये तीनों इक्वल कोड है, तो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अगर ये एंगल तीनों एंगल इक्वल होगा, एंगल AOB एंगल BOC और इक्वल होगा एंगल COD के, क्योंकि इक्वल कोड है तो इक्वल एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD है, इसलिए एंगल भी सेंटर पे का एंगल इक्वल होगा, और तीनों एंगल जो है तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये डायमीटर दिया है ना AOD, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तीनों का नाम चेंज करके एंगल AOB ही लिख देते हैं, क्योंकि तीनों तो इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू में 180 डिग्री, तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल AOB इक्वल टू में 180 डिग्री, ये जाएगा डिवाइड में, तो एंगल AOB इक्वल टू में यहाँ से हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। चलिए, तो यानी कि 60 डिग्री ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट C is with the midpoint of arc AB of a circle such that measurement of क्या कह रहा है, chord AB 183 degree. If the region bounded by the arc ACB and the line segment AB is denoted by S, then the center O of the circle lie किस पे lie करेगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, C is the midpoint of arc AB, ए बी यहाँ आर्क ले लो, सी उसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। एंगल यहाँ पे इसका 183 एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर पे, तो थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था, है ना जी, थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था। ए बी सी इधर इधर सी ले लेते हैं, ये इसके इक्वल है। और यहाँ पर ये मेजरमेंट जो है एंगल का, ये 183 डिग्री है, 183 डिग्री। इफ द रीजन बाउंडेड बाई द आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी से बाउंडेड जो रीजन है ना, एंड लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाई एस, then the center O of the, then the center O कहाँ लाई होगा सेंटर O? तो देखिए ये जो सेगमेंट है वो, और सॉरी ये जो आप देख रहे हैं रीजन है ना बाउंड्री जो है इस ए सी बी से, और सेगमेंट, और सेगमेंट लाइन सेगमेंट ए बी, ये इसको एस से डिनोट करते हैं, यानी कि ये पूरा ये जो रीजन है एस से डिनोट हो रहा है। तो सेंटर वो कहाँ लाई होगा? तो ये इंटीरियर में है ना जी, इसके इंटीरियर में है, तो इन द इंटीरियर ऑफ एस, एस के इंटीरियर में ही है सेंटर। ये सेंटर जो है, सेंटर वो कहाँ लाई हो रहा है? इसके इंटीरियर में है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। इन अ सर्कल द मेजर आर्क इज 3 टाइम्स द माइनर आर्क, द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर एंगल्स एंड द डिग्री मेजर्स ऑफ 2 आर्क आर। देखिए क्या कह रहा है, माइनर और मेजर, ठीक है ना जी, माइनर और मेजर आर्क। चलिए यहाँ पर हम लोग ए बी ले लेते हैं, तो ये माइनर आर्क होगा और ये बी ए वाला मेजर आर्क होगा, तो ये इसका 3 टाइम्स है, ठीक है ना जी। यहाँ पर आर्क इस पे एक पॉइंट दे देंगे तो ठीक रहेगा, इस तरह से आर्क ए सी बी जो है, ये जो है ये क्या है जी, ये 1/3 होगा, ये 3 टाइम्स होगा इसका आर्क ए डी बी का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लाएंगे ए डी बी आर्क और आर्क ए सी बी का, तो यह रेशियो जो होगा इक्वल हो जाएगा इनके सेंटर वाले एंगल के रेशियो के, है ना जी। तो ये ए डी बी से बना हुआ है एंगल ए ओ बी हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, और ये होगा एंगल ए ओ बी, इन दोनों का रेशियो जो हो जाएगा वही हो जाएगा 3, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी और ये जो होगा 3 टाइम्स होगा एंगल ए ओ बी। तो इन दोनों एंगल का सम, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ बी, दोनों का सम जो होगा 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी को 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी कर दें, और प्लस में एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 360 डिग्री, यहाँ से 4 एंगल ए ओ बी इक्वल टू में हो जाएगा 360 डिग्री, ये जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ए ओ बी जो आ जाएगा 90, तो ये 90 आ गया। और रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, तो उसका 3 टाइम्स है, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 270, तो 90 और 270 यही ना हो जाएगा जी। पहले क्या कह रहा है, पहले इसमें क्या, कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल एंड द डिग्री मेजर ऑफ 2 आर्क्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पहले 270 हो जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले ये, और फिर ये, तो ये 270 और 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल सच डेट मेजरमेंट ऑफ सेंटर पे एंगल बना है इस आर्क ए बी से वो 260 है, ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क बी ए एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अच्छा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, एक ए एंड बी 2 पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे, ठीक है ना जी। तो ये जो होगा ये सर्कल के सेंटर पे 270 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं, यानी ये वाला एंगल 200 रिफ्लेक्स वाला एंगल 260 डिग्री। द पॉसिबल वैल्यू एंगल सबटेंडेड बाय द बी ए एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो ये बी ए द्वारा सर्कल पे यानी कि इधर कहीं पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, चलिए यहाँ पे मान लो सी ले देते हैं, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो ना, रिफ्लेक्स एंगल एओबी और प्लस में एंगल एओबी दोनों मिला के 360 होगा ना जी। ये भैया आपका अभी 260 आया है और ये आपका एंगल एओबी है इक्वल टू में 360 डिग्री। ये जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा तो एंगल एओबी कितना आ जाएगा भाई, 100 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल एसीबी निकालना है तो हाफ होगा ना एओबी का, यानी 1/2 इंटू में 100, कट जाना है, ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, द मेजरमेंट ऑफ एंगल बीओसी। एक सर्कल एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो इनस्क्राइब है सर्कल के अंदर, जिसका सेंटर है ओ, ठीक है ना जी। इस तरह से है ए बी सी, सेंटर है ओ, तो इक्विलेटर है तो हर एक एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो पूछ रहा है एंगल बी ओ सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ना, हर एक एंगल 60 का होगा, तो ये सेंटर वाला एंगल उसके एंगल का डबल ना होगा जी। तो यहाँ पे बी ओ सी जो होगा 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ए का, यानी कि 2 इंटू में 60 डिग्री, 120 डिग्री, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, देन द क्वाड्रेटर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग देयर पॉइंट्स इज अ। देखिए क्या कह रहा है, कि 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90। डायमीटर ऑफ ए सर्कल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कहाँ पर, 90 पर, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि इनके इस पॉइंट्स को मीट करने पे ये जो क्वाड्रेटर बनेगा, ये कैसा क्वाड्रेटर बनेगा। तो जब 90 पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा, 13 का डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, ए बी सी इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंगल ए बी सी इक्वल टू 135, देन द रेशियो ऑफ द आर्क ए बी सी टू द सर्कमफरेंस। अच्छा देखिए, सर्कल का आर्क दिया है ए बी सी, और क्या कह रहा है, ये 135 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे ए सी ए बी सी से। कितना एंगल बन रहा है, 135 डिग्री। सर्कल का सेंटर ले लो, तो यहाँ वाला, इसके बाहर वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ए ओ सी रिफ्लेक्स वाला, तो इसका 2 टाइम्स होगा ना एंगल ए बी सी का, यानी कि 2 इंटू में 135, 270 डिग्री। ये वाला 270 आ गया। तो इधर वाला एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, जी ये तीनों दोनों मिलाकर 360 होगा। ए ओ सी और प्लस में ये 270 डिग्री इक्वल टू 360, ये जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी जो होगा, ये जाएगा सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 90 हो गया ये वाला। तो हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है आर्क ए बी सी और सरकमफरेंस, ऑफ सर्कल्स का। तो ए बी सी इस आर्क से बना हुआ सेंटर पे एंगल 130 कितना है जी, 90 डिग्री है। अभी निकाले हैं ये वाला 90 निकाले है ना जी, और टोटल आपका 360 होता है। तो 1:4 आ जाएगा, 1:4 हो जाएगा, 14 का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियाई, द एंगल सबटेंडेड बाई दिस कोड एट द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। क्या होगा एंगल सबटेंडेड। चलिए देखिए, एक सर्कल ले लेते हैं, इसमें कोड जो है ना, कोड वह कह रहा है कि उसके रेडियस के इक्वल है। कोड जो है किसके इक्वल है, सर्कल के रेडियस के इक्वल है, ठीक है ना जी। चलिए ये ए बी कोड ले लेते हैं, ये इक्वल है रेडियस के, तो ये हर एक एंगल 60 हो जाएगा। अच्छा ये जब 60 हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्यों इस जगह हर एक साइड इक्वल है, तो इसका मतलब कि इक्विलेटरल हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। द एंगल सबटेंडेड बाई दिस कोड एट द माइनर आर्क। अच्छा माइनर आर्क ये ना होगा, इस कोड से इस माइनर आर्क पे जो एंगल सबटेंड होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एंगल AOB हमने लिख दिया 60 और प्लस में रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना होगा, दोनों मिला के 360 होगा। यह है आपका 60 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल AOB नहीं है अभी पता। अब देखिए ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो रिफ्लेक्स एंगल AOB जो आ जाएगा वह 300 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल AEB की बात करें, ये वाला एंगल, तो इस एंगल का हाफ होगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ 300 डिग्री कट जाएगा 150 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए, डी नंबर इसका आंसर। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सोल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।